तत्यनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुभिर्विदधान् नमस्ते जीवेत जो मुक्तिपदे सदायुभाग् तत्यनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुभिर्विदधात् नमस्ते जीवेत जो मुक्तिपदे सदायो भाग। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, ये जगत में रहते हुए जितना सारे समस्या हमारा जिंदगी में आते रहते हैं, इन सभी समस्याओं को भगवान का अनुकंपा कृपा समझकर आनंद से जिंदगी गुजारना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, ये जगत में रहते हुए ढेर सारे मुसीबतें आते रहते हैं, आते रहेंगे हमारा जिंदगी में, इन सभी समस्याओं को ठाकुर जी का अनुकंपा कृपा समझकर आनंद से जिंदगी गुजारना चाहिए। हमारा जिंदगी में कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं, सब मात्रा स्पर्श आते रहते हैं, वो अनित्य है। और इसी को पर ध्यान जमा के जितना सारे समस्या है, मन का समस्या, शरीर का समस्या, सारी समस्या आते रहते हैं, गुरु जी का चरण में, तत्व ज्ञानी पुरुष का चरण में आत्मसमर्पण अवर हो पाते 100%, तब तो सारे समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता जी महापुराण में अभी अर्जुन पूछते पूछते भगवान को ऐसा ऐसा तरह तरह का क्वेश्चन करते करते अभी यहाँ तक आया, और भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। काल चर्चा हो पाया था, नियतम कुरु कर्मो त्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रापि चौते न प्रसिद्धेद अकर्मण। कर्म नहीं करने से हमारा शरीर यात्रा, खाना पीना, चलना बैठना सोना, ये शरीर यात्रा भी संभव नहीं हो पाते। सर्वकर्म रहित कोई भी हो नहीं सकता, सर्वकर्म रहित कोई भी हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तुम कर्म छोड़ दोगे तो कर्म शून्यता, कर्म को छोड़ देने से कर्म करना ठीक है, उचित है, क्योंकि कर्म ना करने से, कर्म छोड़ देने से तुम्हारा शरीर जाता भी चलेगी नहीं, अतः तुम कर्म करो, यही मेरा उपदेश। नियतम कुरु कर्म त्वम, यहाँ कोई कोई टीकाकारों ने नियतम गुरु कर्म इसके द्वारा कोई कोई ऐसा माने किया है, नियत कर्म में नित्य कर्म, संध्या उपासना आदि नित्य कर्म, ये तो कभी बंद नहीं करनी चाहिए, ये तो है ही है।
नित्य कर्म नैमित्त कर्म बोल के दो शब्द आता है हमारा शास्त्र में। नित्य कर्म बोलने से आदमी सोचता है मानिए संध्या उपन उपासना आदि नित्य कर्म ये समझता है, और नैमित्त कर्म श्राद्ध आदि समय समय आते हैं उस समय उस सब कर्मों को करना चाहिए। लेकिन नियत कर्म बोलने से यहाँ ठाकुर जी नियत कुरु कर्मत्वम ये बोलने से यहाँ विशेष करके इसी जगह इसी स्थल ठाकुर जी स्वभाव विहित कर्म अर्थात वर्णो आश्रम का स्वभाव विहित कर्म ये अर्थात तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा सामने ये कर्तव्य कर्म है युद्ध करना और नियतम कुरु कर्मो ये माने ज़्यादा इधर यही बैठता है। नियतम कुरु कर्म मतलब तुम्हारा जो स्वभाव विहित कर्म ये करना चाहिए, नहीं करने से तो समाज व्यवस्था समाज में अव्यवस्था फैलेगा, सब अपना अपना ड्यूटी में लगा हुआ है। अगर शूद्र बोले कि ब्राह्मणों को मंदिर से हटाओ पिटाई करके और हम पूजा करने लग जाएं, ये अगर हो जाए तो कैसा हो पाएगा। वृंदावन में ऐसा हुआ ही है 60 साल पहले का बात, एक नेता बदमाश वो सारे जितना सारे भांगी है सब कोई को भड़काया और करके एक जगह मैदान में इकट्ठा किया, भाषण देना शुरू कर दिया। बोले चलो अब बहुत हो चुका, हमने झाड़ू लगाया, वो लोग झाड़ू लगाया, अब हम मंदिर में घुसे, मंदिर में सब मार के निकालो। ऐसा स्थिति। इसके बाद तो जो हुआ हुआ बहुत सारे घटनाएं। तो ऐसा जो है स्वभाव भी तो कर्मों करना जरूरी है, विशेष करके हमारा ये जो भारत भूमि है ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि, कर्म धर्म भूमि, कर्म भूमि, कर्म मतलब वेद विहित कर्म यही साधारण धर्म में आता है। कर्म भूमि पृथ्वी में भारत भूमि है क्योंकि वेद विहित कर्म जो है भारत में ही अप्लाइड फॉर्म में प्रयोग देखा जाता है, बाकी कोई देश में कर्म भूमि बोला नहीं जाता। और यहाँ जो है सभा विहित कर्मों करे ये भगवान का व्यवस्था है गीता में, चतुर्वर्णमया सिस्टम गुरु कर्म विभाग सह, ये जरूरी है, ये साइंटिफिक है। बहुत सारे उठपटांग प्रश्न आते हैं संदेह, क्योंकि उतना संदेह है, संशय है, ये चलते रहते हैं संदेह। द्रोणाचार्य जी ने ठीक नहीं किया, द्रोणाचार्य जी ने ठीक नहीं किया, क्यों एकलव्य को है ना अपना अंगली काट के देने के लिए बोला, ये बहुत डेंजरस आदमी है, गुरु है, क्या है ये, ऐसा कर गाली देना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य क्यों किया ऐसा, ये ठीक नहीं था, एक अच्छा काबिल शिष्य निकला, अच्छा इसको ऐसा कर दिया, ये लोगों का विचार बहुत खराब है, वह गाली देना शुरू कर दिया। ये लोग सोचते रहते हैं कि हमारा जैसा स्टैंडर्ड है, हमारा जैसा विचार है, साधु गुरु वैष्णव ब्राह्मण जो पक्का ब्राह्मण जो है, ये लोगों का विचार भी, भगवान का विचार भी ऐसी होनी चाहिए। सबसे बड़ा समस्या ये है कि सबसे बड़ा समस्या तो ये है, एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर दूसरे कोई प्लेटफॉर्म का बारे में बताना ठीक नहीं है। एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है आदमी, वो नीचा प्लेटफॉर्म होके ऊंचा प्लेटफॉर्म का किसी जगह का विषय में बस लेक्चर देना शुरू कर दिया, क्यों ऐसा किया, ये क्या के, ये उचित नहीं है। ये गणतंत्र का यही पॉइजन, गणतंत्र का यही एक है ना पॉइजन है आउटकम। असली बात तो यह है गणतंत्र बोल के कोई चीज है ही नहीं,
किसी जगह किसी शास्त्र में गणतंत्र बोल के कुछ है ही नहीं। गणतंत्र मतलब खिचड़ी तंत्र, हचपच। गणतंत्र बोल के कुछ चीज होता ही नहीं, संभव नहीं। बोले गणतंत्र माने क्या है? मेरा सबके के समान अधिकार है। तो अच्छा है हमारा, आपका दृष्टि में अच्छा है, विचार करके समझाए तो देखो, आप विचार करके देखो। गणतंत्र मतलब अगर देश में तमाम दुनिया शिक्षित है, कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, तो भी गणतंत्र ठीक नहीं चलेगी, क्योंकि गणतंत्र तो फिक्टिटस चीज है। शास्त्रों में किसी जगह के गणतंत्र के बारे में बताया नहीं, क्योंकि ये तो है पब्लिकों के हाथ में सब। अब पब्लिक तो पागलपंथी है ही है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल प्राइज जूनियर, वो बहुत सुंदर गाना गाया, आमरा सबाई राजा आमादेरी राजा राजोत्रे, हम लोग सब राजा है। अरे हमारा ये राजा का जो राजत्व है, इसमें सब हमें हम सब राजा है, कोई बात नहीं, अच्छा है। हमारा सवाई राजा हमारे राजा राजोत्ते, ऐसा होता है। ऐसा कोई होता है? विचार ये है, सब कोई के समान अधिकार एक कैसे बन पाता, सब कोई के समान अधिकार कैसे हो सकता बताओ? एक नीचा खानदान का भांगी है, ठीक है, उसको घृणा नहीं करते हम, भांगी है तो उसका हम आदर करते हैं, वो अपना अपना सेवा करते हैं, ये घृणा का बात नहीं। बात यह कॉन्शियसनेस का बात, आपको विचार करना चाहिए कि इसका कॉन्शियसनेस जो विचार का क्षमता, कॉन्शियसनेस लेवल कहाँ तक है। और एक बड़ा विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, उसका कॉन्शियसनेस के लेवल कहाँ तक है। अगर कॉन्शियस लेवल अप डाउन है, बहुत अप डाउन है, बहुत मतलब ये तुलना नहीं की जा सकता। कॉन्शियस लेवल का अप डाउन है तो अधिकार भी एक हो नहीं सकता। कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं बता सकता, किसी का हिम्मत नहीं है प्रमाण करे। सुप्रीम कोर्ट का जो जाय जो सबसे बड़ा जो जज है, यह तो उसका जो अधिकार विचार क्षमता है, और एक चमार का वो जो लेवल पे है, चमार मतलब गाली नहीं है, वो इस लेवल पे है, उसका कंसेंस इतना है, हम उसको भी सम्मान करें, क्योंकि इसका अंदर में ठाकुर जी है, घृणा करने का बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका कॉन्शियसनेस कहाँ है, उसका कॉन्शियस, दोनों ही अगर हम बोले कि समान अधिकार कैसे हो सकता, कोई प्रमाण नहीं कर सकता, समान अधिकार हो ही नहीं सकता। तो अगर समान अधिकार नहीं हो सकता, कैसे इसका वोटिंग क्षमता और इसका वोटिंग क्षमता समान है, कैसे हो सकता, कौन प्रमाण कर सकता है? उसका जो वोटिंग पावर है, क्षमता है, इसका वोटिंग क्षमता और वोटा वोट देके जो उसका जो कीमत है, और ये नीचे खानदान का ये जो वोट दिया, इसका कमत एक कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा चीज है ये भारत भूमि हर वक्त अच्छा अच्छा धार्मिक, बड़ा बड़ा महात्मा, बड़ा बड़ा राजा महाराजा का द्वारा परिचालित होते आ रहा है, और महाराजा राजा महाराजा सारे साधु संतों को ही सम्मान करते थे। रामचंद्र से लेकर हर कोई, पितु महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हर कोई, हु नॉट एवरीबॉडी, सब, युधिष्ठिर महाराज, सारे, पितु महाराज, अम्बरीश महाराज, सारे ये लोग साधु संतों को सम्मान करते थे, और इनके विचार के ऊपर ही अपना जीवन जिंदगी को चलाने का प्रयत्न करते थे। इसका ही नियम है, ये शास्त्र में ये है, बुद्धिदाता विचारदाता, तो समाज का कोई बुद्धिदाता विचारदाता कभी समाज का आम आदमी हो नहीं सकता।
इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच है। ब्राह्मण वैष्णव जो अपना इंद्रियों पर पूरा इंद्रियों पर कंट्रोलिंग है जिनका, ये लोग के द्वारा, यहाँ तक कि रामचंद्र भी, सारे साधु संतों का विचार का ऊपर भरोसा, कृष्ण भी, भगवान श्री कृष्ण भी, सारे इसी का ऊपर भरोसा करते हम चलते थे। अभी जो ये भारत का अभी जो ये जो कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, ये भूमि में अभी लपड़ा चल रहा है बहुत काल से, ऐसे ही चलते हैं। पहले राजतंत्र चलते थे, अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजा, जो धार्मिक राजा, और धार्मिक राजा होने से क्या होता है, राज्य राजधानी ठीक चलता। अगर बेन महाराज जैसा आदमी आ जाए तो खटिया खड़ा हो जाए, ऐसे ही चलते रहता। तो महाभारत में ये विचार आता है जे नश्यन्ति अनायका। अभी भगवान श्री कृष्ण नायक बन के, गुरु बन के हमारा हृदय में बैठा हुआ है, फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, अनुभव नहीं है। अर्जुन को चला रहे, अर्जुन उठपटांग प्रश्न कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण किसी भी हालत से इसको समझाने का कोशिश करे, यही रास्ता है, इसी रास्ता में जाओ तो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत में एक विचार आता है महाराज, नश्यन्ति अनायका। अगर देश में कोई नायक नहीं है, परिचालक नहीं है, वो समाज संसार ध्वंस हो जाना है, ध्वंस हो जाएगा। नश्यन्ति अनायका, नश्यन्ति कुनायका, कोई नायक नहीं है फिर भी अच्छा है, अगर नायक आ गया तो कुनायक है, बेन राजा जैसा, और मुसीबतें खड़ी हो, वो तो और समस्या खड़ा हो जाए, वाह। तो नश्यन्ति अनायका, नश्यन्ति कुनायका, नश्यन्ति बहुनायका, जैसे हमारा आज का हालात है, तमाम दुनिया में जितना सारे आदमी सब अपना अपना रोल, अपना जो अधिकार है दिखा रहा है। बहुनायका, एक संसार में अगर सारे आदमी मालिक बन जाए तो उसका हालत क्या हो सकता, मुश्किल है। ऐसे ही तैसंत ऐसे ही है, नश्यन्ति बहुनायका, हमारा इतना पॉलिटिकल सब है, सब एक एक करके नायक कर, बस वो सब अपना अपना विचार बता रहे, देश को सत्यानाश कर दे, तो ऐसे ही होना है। महाभारत का विचार है, हमारा नहीं। नश्यन्ति बहुनायका, जब सारे आदमी मालिक हो जाए तो उसका हालत ऐसे ही है। आज तरंती सुनायका, लेकिन हमारा जीवन जिंदगी का पूरा समाधान निकाल सकता है अगर सुनायका तरंती, वो समाज संसार को पार करके जा सकता है, अगर धार्मिक राजा है, धार्मिक व्यक्ति है, सुनायका। अभी हमारा भारत भूमि का ऐसे ही हालत है। ये तो कर्म भूमि है, यह कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म छोड़ के भाग रहा है सब, उल्टा कर्म कर रहा है, सारे उल्टा हो रहा है। और विदेश में इधर जो है वर्णाश्रम धर्म का जितना सारे सुंदर इफेक्टिव पालन होनी चाहिए, लेकिन सारे ब्रीडिंग हो गया, ब्रीडिंग मैंने मिक्सचर हो गया, कोई जात पात का कोई कुछ डिमार्केशन नहीं है, अपना अपना ये हिसाब से चले, कैसे चले कि ब्राह्मण के साथ शूद्र का मिक्सिंग हो गया, शूद्र के साथ खत्रियों का मिक्सिंग हो गया, सारे मिक्सिंग ब्रीडिंग। अर्थात कहना चाहूं कि यहां कोई वर्णाश्रम धर्म का सही पालन अभी जो हालत हुआ है संभव नहीं हो पाता, बिल्कुल ब्रेकडाउन। और इसी में वर्णों और आश्रम के अनुसार अगर कर्म नहीं किया जाए तो समाज व्यवस्था कभी भी चल नहीं सकता। अगर आप प्रश्न करो महाराज विदेश में कैसे चल रहा है, वहां तो बढ़िया चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है, इसका भी उत्तर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दिया है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया किस हिसाब से बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलने का क्या मतलब है, क्या सोचते हो,
बढ़िया चलने का मतलब आप ये संस्थियों को आयुष आराम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब भी हमारा भारत भूमि से ही जितना सारे टेक्नोलॉजी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जितना सारे नॉलेज है, सारे ये भारत भूमि से ही गया, फिर भी उन लोगों का इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों का अंदर में इतना पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा कोराप्टेड पॉलिटिक्स खराब कर दिया। भक्तिमठव कह रहे कम से कम ये लोग कुछ नहीं जानता, मलेच्छ है, कुछ नहीं जानता, इतना इतना जानता है कि जो जिस काम का काबिल है उसको ये दिया जाए। समझा की बात? कम से कम जो व्यक्ति जिस काम का काबिल है कम से कम उसको उसी काम में लगाया जाए, लेकिन हमारा इधर हो नहीं पाएगा, कैसे हो पाएगा? पॉलिटिक्स है ना, एजुकेशनल फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, पॉलिटिक्स में तो है ही है, समाज संसार में कोरप्टेड पॉलिटिक्स। एक अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर खेल रहा है, लेकिन सिलेक्टर बता रहा है कि मेरे को 25 लाख रुपया देना पड़ेगा तभी तुमको टेस्ट के लिए चुनूंगा। तो क्या है, सारी जगह ऐसा है, एडुकेशन में जाओ पैसा देके रिश्वत दे दो हो जाएगा, हर जगह ऐसा। कम से कम विदेश में ये चीज नहीं है, इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई आर्टिफिशियल कंट्रोलिंग नहीं है। इकोनॉमिक्स जो आदमी पढ़ा है वो जानता है डिमांड एंड सप्लाई ऑसिलेटिंग फैक्टर, डिमांड बढ़ते चले तो सप्लाई बढ़ते चले, सप्लाई कम, सप्लाई डिमांड अगर कम है सप्लाई कमती हो जाए, लेकिन हमारा देश में उल्टा, डिमांड का ज्यादा है सप्लाई बंद कर दो, उसको स्टॉक कर दो, स्टॉक करके आलू का कीमत जब 50 रुपया हो जाए तब मार्केट में छोड़ दो। कुत्ता बिल्ली का समाज, पशुओं का समाज, और कोई किसी का हिम्मत नहीं इसको रोके, ऐसे ही चल रहा है। आलू का कीमत 5 रुपया भी नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली इसको 50 रुपये कर दिया, कोई देखने वाला नहीं है। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट जैसे सब ऐसा ही करप्टेड सब हो गया। तो विदेश में कम से कम डिमांड एंड सप्लाई ऑसिलेटिंग फैक्टर, इसका ऊपर कोई आर्टिफिशियल कंट्रोलिंग नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है फ्री है, फ्री इकोनॉमी है। पॉलिटिक्स में भी जिसका पावर है, अगर पॉलिटिक्स है भी, जिसका पावर है अधिकार है वो आओ, आर्टिफिशियल किसी का, और जिसका जो अधिकार है उसको वो कम में लगाओ। बक्यूमीटर कह रहे हैं कम से कम ये यूनिक क्वालिटी, ये विदेश में जो है ना ये सबसे बड़ा चीज है, काम का कोई घृणा नहीं है। अगर हम शिक्षित भी हैं, अगर हमको साफा करना पड़े किसी जगह, हम कर दें, अधिकार कर देंगे, लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। लेकिन जिसका जो काम में अधिकार है उसी काम में उसको लगाओ, इसके लिए इसका इम्प्रूवमेंट ज्यादा है। हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर नहीं है, उसको आर्टिफिशियल कंट्रोल, उसको भगा दो, ये महाराज भजन उसको मठ से भगा दो, बेकार भगा दो, हमारा चलेगा नहीं, हमारा राज चलेगा नहीं, इसको भगा दो इधर से, तो कहाँ उन्नति कैसे हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो हमने विचार करके ये बताया, महाभारत का ये बात है, सही बात है। ये जो गणतंत्र है ये एक तो ये जैसे है ना फिजिक्स में है ना केल्विन स्केल में जो आइडियल गैस फिजिक्स में पढ़ा, आइडियल गैस पकड़ के हम लोग कैलकुलेशन करते थे, लेकिन असली बात में आइडियल गैस बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, आइडियल गैस है ही नहीं, आइडियल इमेजिनरी है, एक यार्डस्टिक स्टैंडर्ड रख के उसका साथ कैलकुलेशन करो। आइडियल गैस जैसा फिक्टिटास है ऐसे ही हमारा स्थिति है, इसीलिए समाज संसार को बचाना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक रास्ता है, अगर ये गीता जिसको एवर ग्रीन ह्यूमन साइंस बताया गया, तमाम दुनिया में ये गीता का जो इज्जत है, जो रैंक है, जो ग्लोरीज है, इसका महिमा, इसको अगर आप स्थापन कर सकोगे घर घर में, पहले हुआ करते थे हर घर में सांझ रहले
रामायण पाठ होता था, महाभारत या तो भागवत होता था, अभी भी है वृंदावन में कुछ कुछ। हमारा एक गुरु भाई है, वो इधर रहते हैं, क्या कहे, बाकलपुर, बहुत एडुकेटेड है। और सारे शाम ढले 5-6 बज गया, बस सभी को बैठना पड़ेगा, सब सभी को बैठना पड़ेगा, बैठ के सब शास्त्र कथा सुनो, ये सुनो, ये सब विचार। लेकिन आज सब कहाँ गया? तो मतलब ये है, ये भागवत, ऐसे श्रीमद भगवत गीता का सही ढंग से चर्चा किया जाए। सही ढंग से क्यों बोला? अगर एक्स मिशन वही मिशन, अंडा मछली सब खाते रहते हैं और वो गीता का उपदेश करे, हैं, उसका तो मुंह में चप्पल मानना चाहिए। तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम खा रहे हो मछली मांस सब खा रहे हो, हम गीता पाठ कर रहे हो, तुम्हारा गीता में क्या अधिकार है तुम्हारा? वो व्याख्या करने जा रहा है, सारे आदमी व्याख्या करने लग गया। देश का गद्दार है वो भी गीता का टिप्पणी लिखना शुरू कर दी। हाँ, हमारा ख्याल से यही है, तुम्हारा ख्याल से ये तो है, ऐसा ही है, मायावादी है राधा कृष्ण, वो भी गीता का टिप्पणी लिखना शुरू कर दी। मेरा कहना है, गीता ठाकुर जी का कहना है, हाँ, ठाकुर जी का अपना आदमी जो है भक्ति में ठाकुर बलदेव जय विश्वनाथ चकोतिपाद, सारे इन लोगों का ही विचार सुनना चाहिए। सीधा साईपाद रामानुजा जो सब भगवान का अपना आदमी, जो जितना करीब करीब है गीता का उतना ही सहज सरल स्वाभाविक व्याख्या कर सका। रामानुजाच जो भगवान का अपना आदमी, फिर भी रामानुजा जो राम अनुजा रामानुज माता चार जो भाई का अवतार, रामानुज लक्ष्मण का अवतार है तो ठीक ही है, लेकिन राधा रानी का अपना आदमी जो है वो कृष्ण का बारे में ज्यादा जानता है, ज्यादा जानती है राधा रानी का कमल मणि मंजूरी भक्तिमय ठाकुर। ऐसा करके देखा जाए तो जी जितना निशिंग सिधरम व्यक्ति निशिंग प्रसाद सिद्ध समीपात बता सकता है निशिंग कृपा के द्वारा। निशिंग देव वो जगह अभी भी है भद्रक में, निशिंग देव स्वयं प्रकट होके सिद्ध समीपात का जन्म स्थान में भी मैं गया, सिद्ध समीपात का जन्मभूमि वहां भी गए मैं, और सिद्ध समीपात भजन करते थे भद्रक में एक पहाड़ का ऊपर चट्टी पे, बहुत सारे कहानी है। तो नृसिंहदेव स्वयं घर में अपना भजन कुटीर में प्रकट होके अपना हस्त को, अपना पद्म हस्त को भक्तों का ऊपर रख दिया और बोले जो तेरा इच्छा हो सारे स्फूर्ति। और नृसिंहदेव का जिह्वा पे साक्षात शक्ति सरस्वती देवी बाघ बाघ देवी बागीशा जस्व बदने ये बताया। तो इसीलिए सिद्ध समीपात के लिए महाप्रभु का अप्रूवल है, ये हम मनमानी नहीं कह रहे, श्रीमन महाप्रभु का अप्रूवल है, इसीलिए हमारा भी अप्रूवल है, हमारे गुरुवर्ग सिद्ध समीपात। तो सिद्ध समीपात व्याख्या जितना जितना ऊपर जाए ठाकुर जी का जितना अपना आदमी है उतना ही सहज सरल व्याख्या कर पाएगा। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो जीव गोस्वामीपाद का सिद्धांत का खंडन करे, पृथ्वी में ये अनंत ब्रह्मांड में हो नहीं सकता जीव गोस्वामीपाद का ऐसा सिद्धांत है। इसको तो हम लोग सौभाग्यवान है जो हमारा गौड़ीय खानदान है, फिर भी दुर्भाग्य है कि ये सब चर्चा करने का कोई आदमी है नहीं, सब फेंक फाक के चले, अपना अपना हिसाब से चल रहा है, एक आदमी नहीं है, कौन किसको माने। तो ये जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि नियतो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म यायो ही अकर्मणा शरीर यत्रापि चौते न प्रसिद्धेत अकर्मणा,
जब तुम्हारा कर्म सारे छोड़ दोगे तो ठीक है, खाना भी बंद कर दो, सोना भी बंद कर दो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कर्म टोटली बंद करने का तुम्हारा अधिकार तो है नहीं। तो ऐसा है कि कर्म कौशल है, ये कर्म करो, कर्म ना करने से कर्म अच्छा है, लेकिन सही ढंग से करो। ऐसा करके ठाकुर जी सुंदर तर्क दिए, विचार बताए, सिद्धांत तो बताए, और उसका बाद बहुत सारे सुंदर विचार है। कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्म अन्यत्रो लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्मो कुंतियो मुक्त संगो समाचरो। बहुत सुंदर बात ये है। तो पहले का श्लोक का आपने विचार समझा हमारा ख्याल से, नियतम कुरु कर्म त्वम, इसका मतलब नियत कर्मो। कोई कोई व्याख्या किया टीकाकारों ने, ये संध्या वंदना आदि नित्य ये तो है ही है, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत से। और नैमित्तिक कर्म श्राद्ध आदि एक साल में घूम घूम के आता है कभी कभी समय समय, ये तो नैमित्तिक कर्म। लेकिन यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण का इंगित है, इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन कुछ और है। या अपना सहज स्वभाव, सरल स्वभाव भी तो जो कर्म है, अभी तुम्हारा पास जो ड्यूटी है, तुम्हारा उपस्थित है युद्ध करना, इसमें बहस करना नहीं चाहिए। तुम्हारा युद्ध है, ये युद्ध के लिए तुम भी जिम्मेदारी भी तुम नहीं हो, धर्म युद्ध है ये। ऐसा नहीं कि अन्याय बेकार हो रहा है, नहीं, ये ठाकुर जी का खेल है, ठाकुर जी का जो नो कहना है कि तो ऐसे ही आया है तुम्हारा, तुम तो जोर जबरदस्ती युद्ध को बुला के नहीं लाए हो, ये तो युद्ध आना ही था इसलिए आया। ठाकुर जी समाधान करने का भी प्रयत्न किए, दूत बन के गए, लेकिन फिर भी समस्या कोई हाल निकाला नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, चलो ठीक है। लेकिन अब तुम्हारा नियतम कुरु कर्म का मतलब है ये तुम्हारा जो स्वभाव भी तुझे अभी का जो कर्म है वो करो। अगर संध्या वंदन आदि ये माने अगर पकड़ा जाए तो कोई शूद्रों का बारे में बताएं उसका क्या हो सकता, वो तो डायरेक्ट संध्या वंदन आदि होता तो उसका है नहीं कुछ है। तो मतलब ये होता है, माने यही है कि नियतम कुरु कर्म है तुम्हारा स्वभाव भी, तो जो कर्म तुम्हारा सामने है करो। तुम शूद्र हो, अचानक ब्राह्मण का काम करना शुरू करो, तो ब्राह्मण की पिटाई करो, ये तो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इसमें सारे समाज संसार का सत्यनाश होना है। तो यज्ञार्थम कर्मो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। भगवान कहना चाहता है कि सिर्फ योग्यों का लिए, योग्यों का खातिर, योग्यार्थम योग्यों के कारण कर्म अगर करोगे ये तो ठीक है, अगर योग्य छोड़ के तुम अपना हिसाब से कर्म करने जाओ ये तुम्हारा लिए बंधन, फांसी का फंदा बन जाएगा। अब ये प्रश्न आता है, ये योग्यार्थम क्या चीज है, इसमें क्या माने बैठेगा हैं? योग्यार्थम ना, सॉरी लाइट कम है हमने देखा, योग्यार्थत कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। योग्यार्थत कर्म अन्यत्र लोकवयम कर्म बंधन, योगों के लिए, योग के खातिर, योगों को पुष्टि बनाने के लिए, योगों को कंट्रीब्यूशन देने के लिए तुम कुछ करो ये तो ठीक है। लेकिन ये योग को छोड़कर अगर तुम अपना हिसाब से कुछ करने जाओ तो ये तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा।
तदर्थम कर्म कुंतियो मुक्त संगो समाचर। संग से जुदा होकर, संग से मुक्त होकर, निस्संग होकर, निस्संग मत प्रकृति, प्रकृति का गुण जो है, प्रभाव है, इसे बाहर जाकर मुक्त संगो समाचरो तदर्थम कर कर्म कुंतियो मुक्त संगो समाचर। ऐसा करके तुम कर्म करना शुरू करो तो ठीक है। शास्त्रों का विचार अपना मनमानी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का विचार अपना मनमानी करना नहीं चाहिए। जैसे श्रीमद् महाप्रभु महाप्रभु चर्चा कर रहे, महाप्रभु सर्व मोटे जेजू का साथ चर्चा कर रहे, या तो काशी वाराणसी में भी महाप्रभु का कहना है जे अगर वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र रचना किए, वेदांत सूत्र इसका नाम ही पड़ गया सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला, एक एक छोटा छोटा सूत्र का अंदर कितना सारे गहरा माने हैं, आप हैरान हो जाओगे, हैरान होने वाला बात है। एक एक छोटा छोटा फॉर्मूला है शास्त्रोजनित्वात, शास्त्रोजनित्वात ऐसा लिखा है ना, जन्मादसु यतु है ना, ऐसा करके छोटा छोटा फॉर्मूला है, लेकिन ये सब फॉर्मूला का अंदर गहरा अर्थ है, इतना गहरा अर्थ है कि ये समझने का बाहर आम आदमी कोई समझ नहीं सके। एकमात्र भगवान का निजी जन है जो भगवान का पूरा के पूरा कृपा प्राप्त है ये कह सकता है। जैसे रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, सारे ये लोगों ने टीका टिप्पणी की है, और हमारा गौड़िया समाज का आप जानते ही होंगे, बलदेव विद्याभूषण गोविंद जी का, श्री श्री गोविंद जी का कृपा के द्वारा लिख पाए, गोविंद जी बोलते चले गए और तुरंत विद्याभूषण लिखते चले गए, तो हमारा वेदांत सूत्र गोविंद भाष्य इसीलिए नाम हुआ है गोविंदेन भाषितम, इसीलिए गोविंद भाष्य पढ़ गया। महाप्रभु कह रहे हैं ये जो वेदांत सूत्र का अर्थ है शंकराचार्य जी ने किया है, और शंकराचार्य जी का भी कोई दोष नहीं है, ये ठाकुर जी पद्म पुराण में हैं, ये ऐसा करो सारे असुर लोगों को मेरे से हटा दो, उल्टा रास्ता पे, ये असुर लोगों को उल्टा रास्ता पीछा, शंकर साक्षात शंकर, शंकराचार्य जो साक्षात शंकर भगवान, विद्या का कोई कमी नहीं है, भंडार है विद्या, फिर भी क्या करें, ठाकुर जी का आदेश है, ये समाज संसार जो विमुख है मायावादी, ये लोग को उल्टा रास्ता भी चले, इसीलिए मायावाद भाष्यो शरीरक भाष्यो रचना करके रख दिया। और महाप्रभु का कहना है जे वेदांत सूत्र का क्या माने हैं, जो सूत्र करता है अर्थात जो सूत्र रचना की है वो खुद जानता है ये सूत्रों के द्वारा ये क्या कहना चाहा। वेदांत सूत्र ये जो सूत्र है महाप्रभु कहा, महाप्रभु कहने लगे कि ये वेदांत सूत्रों का क्या अर्थ है, ये जो स्वयं सूत्र करता है ये खुद ही जानता है, आम आदमी का कोई उतना ये नहीं है कि इसका द्वारा ये बोला, अनुमान लगा देगा, अंदाजा लगा देगा और व्याख्या कर दे, नहीं ऐसा ही है। गीता का भी भगवान का जो अपना आदमी है ये अगर व्याख्या करे तो माने समझ में आता है, मायावादी भी वेदांत ये गीता का भाष्य करे, शंकराचार्य भी लिखे, लेकिन मायावाद इसमें भक्ति कुछ नहीं है। तो शास्त्रों का अर्थ जो है शास्त्रों अपना रास्ते पे चलेगा, शास्त्रों अपना रास्ते पे चलेगा,
शास्त्रों अगर हम अपना हिसाब से चलाना शुरू कर दे तो मुश्किल है। असुर लोग भी शास्त्रों का व्याख्या करते हैं। डिविल्स कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर। असुर लोग भी शास्त्रों का वचन उठाते हैं अपना सुविधा के लिए। हिरण्यकशिपु भी, रावण भी शास्त्रों का बात बोलते हैं कभी कभी। हिरण्यकशिपु बोलते हैं, अरे अम्बो अम्बो, हे माता जी क्यों रो रहे, संसार अनित्य है। अरे मूर्ख, तू स्वयं समझ ले संसार अनित्य है, मैं यहाँ को समझ रहे। और भाई भाई का जो बीवी है, भाई मारा गया हिरण्याक्ष, उसका बीवी को समझा रहा है, इतना विद्वान है। अम्बो अम्बो, संसार अनित्य है, दो दिन का है। अरे दो दिन का तू समझो पहले, पागल कहीं का। तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुम्हारा हमारा कहने से कुछ नहीं होता। शास्त्रों क्या कहते हैं और शास्त्रों का माने जो बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, इसको इनका इस बारे में ध्यान दो। तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, इसमें क्या विधि विधान है, शास्त्रों में क्या लिखा है, ये देखो। भगवान श्री कृष्ण खुद कहे इसमें क्या है, शास्त्रों क्या है ना, आदमियों का तमाम जनता का जो फैंसीफुल एटीट्यूड, स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छा कुछ भी कर दे, ये स्वेच्छाचारिता उठ पटांग उस श्रृंखलाता निवारण करके लोगों को रक्षा के लिए धर्म का राहे पे चलाने के लिए जो विधि व्यवस्था है वही शास्त्र है। और हमारा ये जो भारत भूमि का विशेष करवे जो वेद मानने वाले हैं, इन लोगों का शास्त्रों का कहना है, जो धर्म है हमारा भारत भूमि में, जो वेदों का मान्यता देते हैं, मानते हैं और उसी हिसाब से चलाते हैं जीवन जिंदगी को, ये भारत भूमि के यही विशेष है। हमारा जो शास्त्र में लिखा हुआ है धर्म है, यही मेरा कर्म है। मेरा भारत भूमि में जो वेदों को मानने वाले वास्तव वर्णाश्रम धर्म को पालन, इसका धर्म और कर्म में पार्थक्य नहीं है, ध्यान से देना। ये विचार किसी जगह आप देखोगे नहीं, बड़ा ऊंचा विचार है। हमारा धर्म अरे जो कर्म कर रहे हैं दोनों में सिमिट्री है, कि जो धर्म है वही मैं कर रहा हूं, उल्टा नहीं कर रहा हूं। चाहे वरना सब धर्म कुछ भी है, भक्ति में ठाकुर ने सब इंगित दिया, किसी जगह मिलेगा नहीं। और बाकी तमाम दुनिया के लिए धर्म ग्रंथों समझो कि 3000 साल पहले आया है, ईसाई धर्म, ये धर्म वो धर्म, लेकिन इसी का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है नहीं। ये बोलते हैं एक चीज, करते हैं दूसरा चीज, सिमेट्री नहीं है। और हमारा भारत भूमि भी आजकल ये जो कंटामिनेशन है, विदेश का कंटामिनेशन आना शुरू कर दिया। शास्त्र में कुछ और है और कुछ और कर रहा है, उल्टा कर रहा है, साय में छो का माफी कर रहा है, इसीलिए सत्यानाश हो गया है। तमाम स्कूल में एक छागल मिनिस्टर आया, वो ऐलान कर दिया कि जो जितना सारे डोनेशन दिया जाए सब छात्रों को टिफिन टाइम में खिलाया जाए। अरे उसमें ब्राह्मण लड़का भी है, शूद्र है, चमार, बहुत सारे है। एक एक का एक एक संस्कार है। तुम्हारा जो संस्कार है अच्छा संस्कार, उसको तोड़ने का मेरा कोई अधिकार नहीं। हमारा क्या अधिकार है, ये मिनिस्टर इतना ही इतना अकलमंदी है, सोचते नहीं है। ये भारत भूमि है, इसमें हमारा तुम्हारा जो संस्कार है उसको तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं है बिल्कुल। तुम अच्छा घराने का हो, अच्छा संस्कार से पाले पालन पोषण तुम्हारा हुआ है, तुम जानते हो कैसे क्या चलना चाहिए विशुद्ध। अरे सब एक साथ बैठ के खाओ मछली मांसो अंडा खाओ टिफिन टाइम में, बड़ा भाई हाथ दान। अरे दूसरा एडुकेशनल कोई फैसिलिटी दे दे छागल, ऐसा क्या है। और उसमें चोरी भी होता है, पैसा आता है हाँ आधा खा जाता है। ऐसा करके कौन किसको चलाएगा, कौन किसको चलाएगा।
तमाम व्यवस्था एकदम फेल्योर टोटली, कोई सोचने वाला कुछ नहीं। जैसे अभी उठाया था बात को, एकलव्य को ऐसा शास्ति क्यों दिया? अरे एकलव्य को तुम अगर, एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने क्या शास्ति दिया है, क्या दिया है ये तुम समझ लो, तुम समझ जाओगे है? तुम्हारा अधिकार है, तुम समझ जाओगे? पागल छागल उल्लू का पट्टा वो समझ जाए क्यों किया, अरे क्यों किया तेरे को जवाब देगा क्या है? द्रोणाचार्य है ब्राह्मण करने को ऊंचा वेद शास्त्रों का पूरा नॉलेज है, ऐसा नहीं कि खराब है, इतना ऊंचा है और भगवान का दिया हुआ जो व्यवस्था है इसमें पालन करना है, इसको आता है, वो जानते हैं किसको क्या। अर्जुन को वादा किए हैं हमारा जितना छात्र हैं उन छात्रों में तुम सबसे बड़ा प्रियो हो, क्योंकि तुम हमारा बात को समझा है इसीलिए तुम प्रियो हो, मेरे आदेश को पालन करते हो, तुमको ही हम सबसे हमारा शिक्षा का अनमोल शिक्षा जो है वो तुमको ही हम देंगे, तुमसे बढ़कर हमारा शिष्य कौन है? एग्जाम्पल कोई मांगे तो बोले देखो अर्जुन को, जैसे निशिंग भगवान जी ने बोला अगर तमाम दुनिया हमको प्रश्न करे जो तुम्हारा भक्त कैसा होता है तो मैं प्रहलाद तुमको दिखा देंगे, ये देखो प्रहलाद, मद भक्तो पतिरूप उद्रिक, मद भक्तो पतिरूप उद्रिक, अगर कोई देखना चाहे कि मेरा भक्त कैसा होता है तो प्रहलाद हम तुमको दिखा देंगे, कितना बड़ा विचार है देखो। ऐसा ही अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन में कोई खराबी नहीं है, अर्जुन भगवान का भक्त है, दोस्त है भगवान का, पीड़ता है, सब कुछ है, ये तो एक बहाना है, नाटक कर रहा है, ये तो ठाकुर जी उसको इसी प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया, नहीं तो गीता मिलना मुश्किल है, ये तो अलग चीज है, लेकिन है तो अर्जुन एकदम टॉप मोस्ट है। और एक दिन अर्जुन प्रश्न किया, एक साथ चलते समय देखे एक कुत्ता चिल्ला रहे हैं बहुत जोर से, भौंक रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये कुत्ता को किसी ने तीर भेजा, हमारा जो वैखानस महाराज है गुरुजी ने बताया, हमारा वैखानस महाराज है उड़ीसा गंजाम का राज पंडित थे, इतना बड़ा विद्वान थे क्या पूछे, तमाम जाग योग ऐसे ही करना शुरू कर देंगे, अरे बाप रे बाप, तंत्र मंत्र में बड़ा बड़ा भारी। बाद में जब प्रभुपाद जी के चरण का आश्रय लिए हैं तब तो अलग विचार है, लेकिन पहले इतना पावरफुल थे बाप रे बाप, और बाद में वैष्णव होने का बाद जो उसका पावर है वो तो कितना, प्रभुपाद जी का कृपा मिला, तंत्र मंत्र करके तमाम आदमी उसका बोलती बंद करने के चक्कर में थे, बंद कर दिया, कोई सभा में बुलाया अब बोले इसका बोलती बंद कर दो, जितना हजारों लाखों रुपया खर्चा हो, वहां का राजा जो है वो जो जमींदार वो बोला हम खर्चा करने के तैयार है लेकिन इसका बोलती बंद कर दो, ये भक्ति का बारे में बता रहे हैं गौड़िया मठ का बात, ये सारे हमारा खिलाफ है बंद करो। लेकिन वैखानस महाराज जी आसन में बैठे और प्रभुपाद जी को शरण करके वंदना करके शुरू किए, 2 घंटा प्रवचन दिए, बाद में तो जमींदार जो सब हैरान हो गया, अतंत्र वाले सब आके चरण में गिरा, हमको क्षमा करो हमने समझा नहीं, बड़ा अपराध हो गया आप क्षमा करो, ऐसा पावर है वैखानस महाराज जी के तंत्र में सारे पता था पहले, सूर्य भगवान का भी भक्त था पहले, जो भी है छोड़ो। अभी जो बात बोलने के लिए हम ये बात को उठाया, हमारा गुरुजी वैखानस महाराज सारे एक जगह प्रचार के लिए गए किसी जगह हरि कथा, और रात का टाइम में गांव में एक कुत्ता इतना भौंक रहा है कि सबका नींद हराम हो गया, क्या करे, वैखानस महाराज जी ने बोले रख ठहरो, बोल के हाथ में पानी लिया गंगा पानी, बोल के एकदम छिटका दिया माने, और उसका भोंकना बंद हो गया मंत्रों के द्वारा, इतना पावर है वो ब्रह्मदैत्य को उद्धार किया, बहुत सारे घटना है। अब ये जो घटना है, ये जाते समय अर्जुन और सारे
द्रोणाचार्य जो देखा ये कुत्ता जो है कुत्ता का बोलती बंद कर दिया। कैसे? किसी ने तीर मारा और तीर जाके उस जवान को बंद कर दिया। बोले ऐसे कैसे? द्रोणाचार्य भी हैरान हो गया, अरे बारे कैसे क्या क्या। बोले अपना ढूंढते ढूंढते आया तो देखा एक व्यक्ति है, एकलव्य शूद्र है, वो अपना भजन कर रहा है, भजन में डिस्टर्बेंस हो रहा था कुत्ता का भोगने से और तीर चला दिया। बरेरी द्रोणाचार्य का ही मूर्ति बना के और उसमें कंसेंट्रेशन कर रहा है। सारे ज्ञान तो अंदर में है ही है, सिर्फ प्रकाशित होने का चक्कर। और द्रोणाचार्य जी ने गया तो उठ के दंडवत किया। बोले क्या कर रहे हो? बोला ये कहाँ से सीखा? बोले द्रोणाचार्य जी से। बोले द्रोणाचार्य तो मैं ही हूँ। बोले हाँ, ये मूर्ति लगा के कंसेंट्रेशन किया। कंसेंट्रेशन का ऐसा महिमा है, कुछ भी अनजाने ज्ञान आ जाता है जो भी है। और इस समय द्रोणाचार्य जी ने बोला एक काम करो, गुरु से सीखा है तो गुरु दुखे ना दे दो। बोला हाँ कहिए, कोई दिखे कुछ भी आप मांगो तो दे देंगे। तो जिला थाम्ब जो है, राइट हैंड का जो थाम्ब है, वृद्धांगुली, उसको दे दो। वो काट के तुरंत दे दिया। तब से इसका तीर विद्या धनुर्विद्या खत्म। अगर प्रश्न किया जाए क्यों किया, ये भी गीता का साथ ताल्लुक है, ये वर्णाश्रम धर्म का खिलाफ है। ये शूद्र होने का नाते इसका इस विद्या में कोई अधिकार नहीं है। इसका जो स्वभाव है, इस स्वभाव के अनुसार ये क्रियाक्रम नहीं है। ये विद्या क्षत्रियों के पास होने से ये काम में आता, क्योंकि क्षत्रियो क्या करता है, सौर्य वीर्य ये जो प्रकाश करे, असमाज संसार को रक्षा करे, ये विद्या इसका लिए जरूरी है। युद्धे चापी पलायनम, ये जरूरी है क्षत्रियो के लिए। कि शूद्र अगर ऐसा कर दे, शूद्र अगर ब्राह्मण बन जाए तो समाज का स्वभाव तो बदला नहीं, सिर्फ इस चीज को सीख लिया अटेंशन के द्वारा, ये बड़ा मुश्किल है। द्रोणाचार्य जी ने भगवान का जो ये जो वर्णाश्रम धर्म का अनुकूल कर किया कर्म किया है, क्योंकि इसमें अगर एक शूद्र का ऐसा पावर आ गया तो ये शुद्ध समाज संसार को सत्यनाश करते, क्योंकि इसका तो एप्लीकेशन जानता नहीं। एप्लीकेशन जान आज तो समाज व्यवस्था का ऐसा है, जो जितना सारे शेड्यूल का शेड्यूल टाइप है उसको अग्राधिकार। अरे महाराज, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है आप करो उसको बढ़ाओ, लेकिन वो अगर अपना क्वालिटी नहीं दिखा पाए तो उसको कैसे इस रैंक में, उसको ऑफिसर रैंक में दे दिया। वो एक अंग्रेजी पत्र भी लिख नहीं सकता, अपना चपरासी से पत्र लिखाता है 50 रुपया दे के। तो ये अगर ऑफिसर बन जाए तो कुत्ता बिल्ली का संसार बन गया, यही होते रहा, यही तो होते रहता है ना। शेड्यूल का शेड्यूल पर ठीक है, लेकिन इसका कम से कम तो अधिकार तो देखो यार। ये तुम कह सकता है कि ब्राह्मण का लड़का का जो अधिकार हमने देखा है, जो क्वालिटी देखा, ऐसे तो अपना स्वभाव का क्वालिटी देखे तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। ऐसे शिक्षा का तो क्या पास एफिशिएंसी अगर देखने जाए तो हो सकता है कि इसका साथ कोई शूद्र का लड़का का बराबरी, ऐसा तो बराबरी हो ही नहीं सकता। इसका स्वभाव, इसका सब कुछ है व्यवहार तो अलग, फिर भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको सिलेक्शन करे तो दोनों में अगर एक्सटर्नल एफिशिएंसी इक्वल दिखा गया तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो। ये नहीं कि एफिशिएंसी नहीं है, हाँ डिग्री भी नहीं है, कुछ नहीं, असीम ये है शेड्यूल ट्रस्ट है, तो क्या होगा समाज का? सरकार समझता है क्या? सरकार इसका बारे में सोचता है कभी, सोचा है कभी इसमें क्या हालत होगी? हाय हाय, ऐसा करके पूरा समाज व्यवस्था एकदम तोड़। तो हमारा द्रोणाचार्य जी ने जो किया है ये अपना हिंसा से किया नहीं, ये किया समाज संसार का दूर का, बहुत दूर का सोचते हुए द्रोणाचार्य सोचा अगर शूद्र अगर ऐसा हो गया, इसका इतना बवाल हो तो कुछ भी कर सकता, ये राज्य राजधानी में जो है हमें इसमें उठपटंग कर सकता, तो इसका पास तो ये क्वालिटी होनी नहीं चाहिए।
इसलिए गायत्री मंत्र तो हर कोई का अधिकार नहीं कि जप करे। अब तो ऐसा हो गया माइक में गायत्री मंत्र चल रहा है, अब माइक में ओपनली, तो कौन किसको बोले, ऐसा हालत हो गया। जो भी चलो तो नियतम कुरु कर्म, ये तो समझ गया। अब यज्ञार्थत कर्म अन्यत्रो लोको अयम कर्म बंधन, इस बात को समझने का कोशिश करो। योग को बोलने से अक्सर हम लोग समझते हैं कि ओम स्वाहा ऐसा करके वरुणाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा ऐसा हम सोचते ही, लेकिन योगों का जो ग्रेटर सेंस है, बड़ा ये अनंत ब्रह्मांड में एक योग ही चल रहा है कि नहीं, विचार करके देखो। ये तो हम लोग योगों बोलने से वैदिक क्रियाकर्म में जो हवन होता है इसको ही योग मानते, लेकिन भगवान फिर भी खुलासा किया, देखो कर्म योग्य है ज्ञान योग्य है। अब ये समझा ही नहीं कोई क्या बोलना चाहता है ठाकुर जी। योग्यो एक इतना बड़ा अर्थ रखता है, इन ग्रेटर सेंस बहुत बड़ा अर्थ है। तमाम दुनिया ब्रह्मांड चल रहा है, ये भी अनंत ब्रह्म, ये भी ठाकुर जी का योग्य ही चल रहा है। सूरज उदित होता है, सूरज अस्त जाता है, चंद्रमा आता है, सारे आदमी जो है दुनिया में क्रियाकर्म में लगा हुआ है, सब यज्ञ कर रहे हैं। इन ग्रेटर सेंस अनंत ब्रह्मांड में यज्ञ चलती रहते, वर्षा होता है, पानी भरता है, फिर गर्मी आता है, सीजन में फूल आता है, फल आता है, सारे तमाम सब चल रहा है। अपना अपना क्रियाक्रम को भगवान का आदेश के अनुसार अपना अपना क्रियाक्रम को सही ढंग से एकदम पक्का सही ढंग से पालन करे तो ये जो तमाम दुनिया चल रहा है वो धकाधक चलना शुरू कर देगा। उसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगी नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला, सारे समस्या से। लेकिन करे तब ना, पूरा दुनिया का समस्या जो है ठाकुर जी जिम्मेदार नहीं है, ये अपने आप जिम्मेदार है खुद व खुद किया। ये जो कोरोना है, कुछ भी है, सारे समस्या फैल रहा है, ये सब किसका है? ठाकुर जी तो कभी नहीं किसी को बोला ये सब करो, बायोलॉजिकल वेपन बनाओ, मारो, पीटो, ये कौन बोला? या अपने मन मान। तो योग अर्थ से भगवान का नेचुरल जो फंक्शन है वो चलने दो, प्रकृति के ऊपर दबा मत डालो, क्योंकि प्रकृति तुम्हारे ऊपर रिवेंज लेंगी। प्रकृति के ऊपर तुम्हारा दबा डालते डालते ऐसा हालत कर दिया तो प्रकृति तुम्हारा ऊपर बिल्कुल रिवेंज प्रतिशोध लेने के लिए तैयार बैठी है हर वक्त। बी केयरफुल, इकोलॉजिकल बैलेंस है, साइकोलॉजिकल बैलेंस, सारे बैलेंस चलेगा अगर ठाकुर जी का जो कहना है ये अपना अपना हिसाब से चलो तो ठीक है। तो ये जो है योग का जो माने हैं ये समझने के लिए बड़ा विचार करना चाहिए। योग वही विष्णु ऐसा लिखा है वेदों में। योग क्या है? विष्णु ही है, है तो है, विष्णु नाम पड़ गया ना। तमाम अनंत ब्रह्मांड में कहां कहां नहीं है विष्णु, और जहां जो कुछ भी हो रहा है सब हो रहा है, अपना अपना हिसाब से कर रहा है सब। तो ये जो है अर्जुन का पास ये जो बात है, ये माने जो है इसका ही विचार करेंगे आप, उसका बाहर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। कि यज्ञ बोल के तमाम दुनिया में एक बृहद यज्ञ चल रहा है, हैं? बृहद यज्ञ चल रहा है तमाम दुनिया में, सब क्रियाकर्म चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक नहीं चल रहा है, चलनी चाहिए, समस्या इसलिए है। तो यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, दूसरा हिसाब के हिसाब से करने जाओ तो तुम्हारे लिए कर्म बंधन है।
भगवान का यहां इसी हालत में कहना है कि अर्जुन तुम्हारा जो युद्ध है, तुम्हारा अंदर में अगर कोई ऐसा कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कोई अकाउंट नहीं है, हानि वृद्धि नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, हम हार जाए कि जीते हारे ऐसा प्रश्न नहीं है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वभाव विहित कर्म है तुम्हारा अपना, ये अगर विचार करके चलो इट कैन बी ए कंट्रीब्यूशन फॉर द यज्ञ। ये जो बृहद यज्ञ चल रहा है इसमें तुम्हारा एक कंट्रीब्यूशन योगदान बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अगर बिल्कुल अर्जुन का अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हारे के जीते लाभ नुकसान कुछ भी है, शोक बीमार कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है हमारा स्वभाव विहित कर्म है, ये हमारा लिए कर्म करना चाहिए, हम क्षत्रिय करें, ये विचार करके करो तो अर्जुन तुम्हारा लिए एक भगवान का जो यज्ञ चल रहा है इसमें कंट्रीब्यूशन बनकर रह जाएगा। ऐसा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा हमारा सब कोई का जिंदगी में होनी चाहिए। साधु संत है, साधु संत का क्या काम है? आम आदमी को मार्ग दिखाना। वो अगर ऐसा काम करे दुनिया आदमी चप्पल मारे मुख में, अरे क्या गौड़िया मठ है, अरे गौड़िया मठ मतलब ऐसा निंदा का अधिकार किसने दिया? कौन गुरु ने दिया जो शिष्यों के ऐसा किया और पूरा हमारा पूरा खानदान का बदनाम हो रहा है? संत महात्मा का नियम है बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन, हर वक्त कथा कीर्तन में के रहेगा, दुनियादारी में क्यों पड़े, लड़की का चक्कर में, ये चक्कर में क्यों पड़े, पैसा का पीछे क्यों पड़े, पैसा वालों को क्यों जाके पेट पकारे, महाराज थोड़ा दे दो हमारा, अरे तब एक दफे हमको एक महाराज जी लेके गए पंजाब में किसी जगह, नाम बोलने का दरकार नहीं, और जाके हमको बोला महाराज थोड़ा ठहरो इधर से थोड़ा प्रणामी लेना है, हमारा भंडारा हो रहा है, हमारा उत्सव हो रहा है, हम जाके बैठा, हमको पानी देने आया, हम बोले महाराज पानी बहुत पी के आया है, कि तो पानी तो पीता नहीं जहाँ था, तो बोले ठीक है शरबत लो, हम शरबत पी के आया है, हैं हमारा पेशाब का बीमारी है पी जाए तो मुश्किल है, ऐसा होकर टाल दिया, और महाराज तो लेते रहे है ना, अपने जम्बल खा के आया, जमा के आया है, हम कहेंगे नहीं। अब बैठ के देखा कुछ भी हो रहा है, ऊट पटांग का प्रश्न कर रहा है, गोड़ी मठ के खिलाफ सब, हमारा मान लिया हमने डोनेशन दिया, हम हमारा डोनेशन ले गए, ऐसा ऐसा करना पड़े थे ऐसा आपको कर दिया, बोले क्या करे महाराज, ना करे तो प्रणामी नहीं दी, हम प्रणामी क्या काम का है, अतः तो उत्सव नहीं हो गया, हमें उत्सव दरकार नहीं है हमारा, बोले आपका लिए तो ये होगा नहीं, हमें नाम तो होगा नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, हमारा उत्सव का दरकार नहीं है, अगर किसी का पैर पकड़ना पड़े, उच्छिष्ट भोजन करने पड़े, कुछ करे हम नहीं करेंगे, हमारा उत्सव का, हमारा उत्सव हरिकथा का उत्सव करते चले, इसी जिसका इच्छा आओ नहीं तो चले जाओ, खुला मैदान है चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये लोगों का विचार है। शास्त्रों का विचार का अनुपात मुताबिक प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिखाए ये मार्ग में ये सब कोई फैलासी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी ने बताया पूरा, और बोलने जाए तो गुस्सा हो जाएगा, प्रभुपाद जी ने बताया, हम बताए नहीं, तो जो जिसका अधिकार है साधु संत है उसका स्वभाव है इतना स्वभाव अच्छा कि सब कोई को मार्ग दिखाएगा, मीठा व्यवहार शास्त्रों का वचन कहे, हर वक्त ठाकुर जी का चिंतन में ही है, नहीं तो काहे का ब्रह्मचारी है, काहे का सन्यासी है, तब तो मठ नहीं चलेगा, और मठ बंद कर दो, अगर नहीं चले तुम्हारा माफी का आदमी मठ चलाना चाहते तो बंद कर दो, हमारा गुरु जी बोलते थे जे प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर का बातें अगर मानो तो गौड़िया मठ चले, नहीं तो नहीं चले, क्लाब हो जाए, वो लोग बोलते हैं तब तो मठ नहीं चलेगा, अब तू चला जा घर, मठ चलाने का दरकार नहीं, तेरा माँ भी दो चार आ गया सैंपल तो गौड़िया मठ का खटिया खरा, गौड़िया मठ ऐसा चीज नहीं है, ऐसा ही है, गौरी जी बोलते थे प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर का बात अगर मानो तो गौड़िया मठ चलेगा, नहीं तो गौड़िया मठ नहीं चलेगा, दूसरा कुछ सोसाइटी चलाओ आपका मर्जी। तो ये जो है बड़ा भारी सुंदर विचार, ये जो यज्ञ है
यज्ञ वही विष्णु सचमुच है। और यज्ञ वही विष्णु ये विचार करने जाए तो वेदों में जितना सारे आदेश उपदेश है इसका आधार पर जो क्रिया कर्म को किया जाए इसमें ही समाज संसार का भलाई है। दूसरा उल्टा मार्ग में जाए तो है नहीं कुछ, क्या करे। ऐसे तो इन ग्रेटर सेंस बड़ा विचार करके देखो दे अनंत ब्रह्मांड में चलता है तो जग ही है। वो क्या है, इस समाज संसार चलता है। ब्रह्मा भी बताया अरे हमारा क्या ठेका लिया, ठाकुर जी बोला तो हम कर दिया सृष्टि, इतना माथा पीछे है ठाकुर जी का आदेश तो ब्रह्मा का भी कंट्रीब्यूशन है। भगवान का जो बृहद यज्ञ चल रहा है तो ब्रह्मा जी क्रिएशन किया, जो कुछ भी तकलीफ उठाई तो एक कंट्रीब्यूशन बना। अब ब्रह्मा यही बात को प्रियव्रत को बताए, प्रियव्रत देखो हम शंकर भगवान सब कोई ये ठाकुर जी का आदेश को पालन कर रहा है सही ढंग से, जरा सा भी इधर उधर करने का हमारा हिम्मत नहीं है। तो देखो हम ठाकुर जी का आदेश पालन कर रहा है, ये भी तो एक भजन ही है, ये तो यज्ञ है, तुमको भी मनना चाहिए। तुम भजन के लिए जंगल में चले जा रहे हो, अरे संसार क्या नुकसान कर सकता है अगर तुम्हारा का जीवन जिंदगी ठाकुर का जी है, ठाकुर के लिए अगर दे दिया ठाकुर जी के लिए तो संसार क्या कर सकता है, संसार तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो प्रियव्रत तो मांग लिया, बहुत सारे सुंदर विचार आए अंग्रेजी कथा में बताया था, जो भी है ऐसा विचार करके देखो सचमुच हमारा हम मास्टर है। सपोज करो कि हम मास्टर है, हमारा अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए गया, ठीक है किया, अपना अपना हिसाब से क्रिया कर्म करो तो ये ठाकुर जी का जो बृहद यज्ञ इसमें कंट्रीब्यूशन बन के रख जाएगा। और तुम्हारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सत्यनाशी है, ऐसे ही बता रहे ठाकुर जी। देखो अगर तुम युक्तिहीन, शास्त्र में ऐसा भी है कोई कोई कुछ काम कर रहा है अपना मनमानी, युक्तिहीन कोई युक्ति नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई भी धर्म ग्रंथ है ये तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि देखो भागवत धर्म सबसे एकदम फाइनल स्टेज है, तमाम दुनिया का जो धर्म है ईसाई धर्म हो क्रिश्चियन हो कुछ भी है इसको घृणा मत करो। क्यों, ये अपना अपना जो हिसाब के अनुसार अपना जो कॉन्शियसनेस का डिग्री है इस डिग्री के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हिंसा करना मत। लेकिन हम लोग तो हिंसा नहीं करें, वो लोग हिंसा करें तो क्या करें, वो लोग हिंसा करें। शास्त्रों में एक लिखा हुआ है, उन लोगों का शास्त्रों में एक लिखा हुआ है, वो लोगों का शास्त्रों का ऐसा विधि विधान है, कभी कभी शास्त्रों का विधान पालन करने जाए तो दुनिया में आपत्ति आ जाए, विपत्ति। तो वो लोग क्या करता है, अमेंडमेंट करता है, मतलब छोड़ दो जो कुछ भी लिखा है। ऐसा अगर लिखा है जहां जो धर्म देखो उसको काट के फेंक दो, हमारा ये धर्म को हम नाम नहीं बता रहे हैं कि ऐसा है लिखा, हम उसका किताब खोल के दिखाएंगे। हाईकोर्ट का भी कुछ करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी करना नहीं है, किसी का करना नहीं, कोई मिनिस्टर का बाबा भी कुछ कर नहीं सकता, वो 10 शादी कर सकता है, अरे आप करने जाओ तो आपको डंडा पड़ेगा। ये समाज संसार के लिए भयंकर विपदजनक है, कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म में जा नहीं सकता, शास्त्रों का असली बात समझने के लिए कोई तैयार नहीं है कि नियम जो है शास्त्रों का वो सबको के लिए एक ही होगा, तुम्हारा लिए एक हमारा लिए एक, एक, एक कैसे हो सकता। ऐसा जो है ये लोग का अंदर में शास्त्रों का पालन करने जाओ कोई मुसीबतें अन पड़े तो शास्त्रों का विधान को चेंज कर दे, अमेंडमेंट कर दे। लेकिन हमारा जो शास्त्र है ये भागवत धर्म, इसमें एक भी कुछ अमेंडमेंट हो सही सकता, जो दिया गया बामन गोस्वामी महाराज कहते थे हरिकथा, वो जो बोले बोला, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, बस ये फाइनल, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं चली। ये है पक्का नित्य जगत का बातें हैं, साधु महात्मा का पक्का, साधु महात्मा का वचन जो है
जो मुंह से निकल गया शास्त्र का वचन है, वो तुम्हारा दावा डालने से वो चेंज कर देगा, ठीक है चलो गलती कर दिया, नहीं हो ही नहीं सकता, शास्त्र का बात है, प्रमाण दिखा देगा। चलो तो समझा कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्रो लोकवयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कुंतियो मुक्त संगो समाचरो, समाचरो मने आचरण करो, सम्यक रूपी आचरण, समाचरो संस्कृत लैंग्वेज है, समाचरो मीन सम्यक रूपी आचरण करो, ये मुक्त संगो, किसी का इन्फ्लुएंस में मत जाओ, इन्फ्लुएंस में जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, तुम्हारा बैठेगा नहीं दिल में। यज्ञार्थक यज्ञार्थो जो कर्म बनता है तद्भिन्न अन्य कर्मों मनुष्य के लिए बंधन की कारण, हे कंतियो तुम इसी उद्देश्य इसी कारण अनासक्त अनासक्त होके अनासक्त होके कर्म करो। मुक्त संग समाचार मतलब मुक्त संग समाचार में कोई आसक्ति ना रहे, अनासक्त अनासक्त एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में अगर अनासक्त आ गया, इसका माने भी ये भी होता है त्रिगुणों का बाहर, त्रिगुण है नो त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भर्जुन, ये भी प्रभाव प्रकृति का प्रभाव का बाहर, या तो अनासक्त एक ही इसका बाहर जाके करना। पहले हमने बताया कि योग्य ये जो बात ये जो है ये तो है ही है, गुरुदेव बृहस्पति देवतलो का ये भी पक्का बताए कि युक्तिहीन विचारेन धर्म हानि प्रजायते, बामन महाराज कहते थे कभी कभी युक्तिहीन विचारेन युक्तिहीन विचारेन धर्म हानि प्रजायते, और दूसरे शास्त्र में है जो देखो वेद वेदांत पांचरात्रि किसी में लिखा हुआ नहीं है, उसको छोड़ के अतिरिक्षते बढ़ के एकदम उसको अतिक्रम करके कुछ करने जाओ, श्रुति स्थिति है पुराण आदि श्रुति श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि विधि बिना वैकांत के हरेर भक्ति उत्पातई विकल्पत, ये उत्पात माना जाएगा, विधि विधान नहीं है शास्त्र में कुछ नहीं है, अपना मनमानी करने का कोशिश कर रहा है, तो ये तो कुछ नहीं है पूरा सत्यनाश। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना शास्त्र में नहीं है, लेकिन वैकांत के हरि भक्ति एक्सेस वैकांत के हरि भक्ति उत्पात, ये उत्पात है, कोई कोई भजन नहीं है, ये कोई आचार्यशिप नहीं है, ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, ये नरक में ले जाने वाला चीज है। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने भी ये युक्ति खड़ा किए, ये कोई युक्ति नहीं है शास्त्रों का विचार से, ये मिलता जुलता नहीं है, शास्त्रों का विचार का अनुसार ही कर्म करना चाहिए, और ठाकुर जी का स्वयं का ये आदेश है अर्जुन आगा शास्त्र विधान आदि छोड़ दो तो इसमें क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए तुम समझो, समझ में नहीं आए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू क्या करना चाहिए, तुमको शास्त्रों का विचार के अनुसार ही करना चाहिए। अगर तस्मात शास्त्र प्रमाणते कर्जा कर्ज व्यवस्थित हो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, वो शास्त्र प्रमाण दे, अशास्त्रों का प्रमाण अगर हम खुद पढ़ने जाए और मुसीबत खड़ा हो जाए, क्योंकि तामसिक शास्त्र हो सकता है, या जो प्रमाण है शास्त्रों ये शास्त्रिक शास्त्रों ही माना जाए, वो भी समझ नहीं जाए वो भी गलती हो सकता है, इसलिए जो संत महात्मा जैसे रूप सनातन आदि तमाम शास्त्रों को विचार करके निचोड़ जो दे दिया
नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकरिणो तिभुवने मान्यो शरण्या करो। ये जो बताया तमाम शास्त्रों का विचार तुम करने जाओ, बस हो गया छुट्टी। तमाम शास्त्रों का अर्थ का विचार करके रूप सनातन जीव गोस्वामी ये सब दे सकता है। शास्त्रों का निचोड़ क्या है? अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते तो हम क्या समझते? इतना इजी नहीं था। तमाम शास्त्रों का वो विचार करके मंथन करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म आदि चैतन्य शिक्षा में तो चैतन्य इन महाप्रभु शिक्षा हरिनाम चिंता मन कितना सारे भजन रा कितना सारे ग्रंथ लिख दिया। अब हम अकलमंदी है, विचार भी नहीं करते और इतना चंचल है मन, बैठ नहीं सकता। शास्त्रों का विचार अपने आप पढ़ने जाओ तो समझ में नहीं आए, बहुत मुश्किल। तो आप समझे कि देव गुरु बृहस्पति जी ने कह रहे हैं ते युक्तिहीन विचार युक्तिहीन विचारेन धर्म हानि ही प्रजायते। अगर किसी धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है वो अगर समझा नहीं उल्टा हो गया। युक्तिहीन, कोई युक्ति नहीं, ये क्यों करे? ये कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं है ये करे। सिर्फ मुख से शब्द बोल दिया तीन बार, बस अब बीबी को फेंकना पड़े, वो बीबी को दूसरे आदमी ब्याह शादी करे। एक कौन सा नियम है, कहाँ लिया, एक कैसा नियम है, कुछ भी कर दे। युक्तिहीन विचारेण धर्म हानि ही प्रजायत, ये ठीक है। अब ये अभी विचार किया, ये यज्ञ बोलने से अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि वेदोक्तो वेदों में जो लिखा हुआ है ये क्रियाकलाप समझ लेते हैं। लेकिन वेदों में बहुत सारे क्रियाकर्म के बारे में भी अनुमोदन है। बालानम अनुशासनम हमने विचार करके दिखाया, माताजी बच्चा जो है बच्चा कड़ुआ दवा खाना नहीं चाहती, अमैया जोर जबरदस्ती खिलाने जाएगी तो बच्चा खाएगा नहीं, तो इसीलिए लड्डू रख दिया और लड्डू दे दो नहीं हाँ पहले ये खा, वो दवा खिलाई उसके बाद ये जो है लड्डू दे दी। तो ना तो लड्डू देना इच्छा है, ना तो इसको कड़वा दवा दे के कष्ट देना मकसद है। मकसद एक ही है, वो है इसको निरामय कर दे, इसका बीमार हट जाए। तो वेदों में तमाम सारे उपदेश आदेश ऑफर लुक्रेटिव ऑफर वेदा पुष्पित वाचा ये तो लिखा हुआ है। इसमें यह समझना चाहिए कि वेद में कभी गलती चीज लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं है। वेद अपौरुष है, वेद किसी का रचना नहीं है, वे स्वयं भगवान का निश्वास से प्रकट भय। तो इसमें किस चीज अगर लिखा है तो उसका पीछे भी गहरा कोई कारण होगी, किस लिए लिखा है। तमाम आदमियों को इसका अधिकार का अनुसार उसका ऊंचा विचार पे ले जाने के लिए, ऊंचा अधिकार में ले जाने के लिए अभी इसको अनुमोदन किया गया। इट इज नॉट एक्चुअली अप्रूवल किंतु मजबूरी है, करना जरूरी है। ये अगर नहीं करे तो ये लोग कभी लेके जाएगा। शादी करने का व्यवस्था कर दिया, क्योंकि अगर शादी का व्यवस्था नहीं उठपटंग समाज में अव्यवस्था फैलेगा। अरे कम से कम साधु तो कर, शादी कर ले, भगवान का इच्छा नहीं कि शादी कर ले सब। ये वेदों में है, वेदों का वचन है, साम वेद में वेदों का ये शादी का मंत्र भी है, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन ये विधि विधान है सारे, इसका मकसद क्या है? ग्रेजुअली धीरे 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 लोग ऊंचा अधिकार पे ले जाने के लिए, और अंतिम में जाके भक्ति ठाकुर जी ने लिखे, जब अंतिम स्टेज में जाए तो देखे अरे महाराज ये तो भागवत धर्म है। हाँ ठीक समझा, आत्मधर्मो भागवत धर्मो है ना, जैव धर्मो वैष्णव धर्मो, यही ठीक समझा।
अंतिम। अभी अभी बोलने जाए तो लड़ाई झगड़ा लग जाए, वो संभव नहीं है। ऐसा करके बालानाम अनुशासनम, तो ये जो वेदों में जो काम कर्मों का बारे में बताया गया, इज इट द अप्रूवल ऑफ गीता, गीता का कह ये अप्रूवल है, भगवान क्या कहना चाह, भगवान ने बोला है सब करने चलो। अरे महाराज भगवान तो खुद बोला वेदस्य सर्वैर्हम विविद्ध, हाँ तो ठीक है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गीता में ठाकुर जी का ये अनुमोदन नहीं है। गीता में ठाकुर जी बोला ठीक है ये होनी चाहिए, तमाम आदमी है सब तो ठाकुर जी का सृष्टि है, अपना अपना अधिकार का हिसाब से चले और तो क्या करे। लेकिन ये गीता का अनुमोदन नहीं है, गीता में कह रहा है कि ठाकुर जी ये बंधन का कारण होगी, पहले ही बता दिया दो चैप्टर में, दूसरा अध्याय जो है पहला अध्याय दूसरा अध्याय का 42-45 विचार करके देखना, ये बताया था। तो ऐसा अगर अर्थ लगाते चले तो यज्ञ का अर्थ क्या बैठता है, अब समझ गया, अब समझो हमने बताया यज्ञ वही विष्णु श्रुते यज्ञ ईश्वरा इत्यादि बहुत सारे वचन हैं। तो कहने का मतलब यह है ये अपना जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है इसमें अपना अपना अधिकार के अनुसार तुम्हारा सामने जो जो कर्म है कर्म यज्ञ मान के चलो, और ये यज्ञों में तुम भी घिताहुति दे दो। जैसे कोई गुरुजी का पास दीक्षा लेने जाए समित पाणी सौत्यम ब्रह्मणिष्ठम, समित पाणी सौत्यम ब्रह्मणिष्ठम, समित पाणी का मतलब है ये काष्ठ यज्ञ काष्ठ यज्ञ काष्ठ लेके गुरुजी का पास चलो, गुरुजी यज्ञ अनुष्ठान करे उसमें तुम्हारा सेक्रीफाइस तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यज्ञ में होगी, और काष्ठ जो संग्रह करके तुम काष्ठ लकड़ी वो लेके चलो, समित पाणी सौत्यम ब्रह्मणिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास चलो। इसका माने ये है तुम जो गुरु जी का पास जा रहे हो, अगर तुम भक्ति योग का रास्ते में चले तो भक्ति योग को चल रहे हैं, इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तुम्हारा आत्मसमर्पण तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण, यही कंट्रीब्यूशन है। इसका माने है समित पाने श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, अगर कोई उल्टा व्याख्या करे तो कर सकता, क्योंकि स्वाधीन भारत है, स्वाधीन का मतलब जो कुछ भी इच्छा चाहे करो, ये देखो स्वाधीन मतलब जो इच्छा हमारे करे, तुमको रुकने वाला कौन हो, ठीक ही है, स्वाधीनता का मतलब है जो मर्जी वो करे, कोई रुकने वाला नहीं, ये स्वाधीनता का माने, ये मूर्ख आदमी के लिए ये माने है। अरे हमारा मैया अगर हार्ट अटैक हार्ट बीमारी है तो इस माइक को छोटा कर, अरे तुम्हारा माँ मरने जाए हम क्या करें, हम काली पूजा है माइक जोर से लगाए लगाओ, ये देश शादी ने ये चल रहा है देखो, इसी में हरी कथा बोलो क्या करें, कुत्ता बिल्ली का समाज है। ऐसा करके विचार करना ये जो बताया भगवान ये योगों का क्या अर्थ है, बहुत विचार से आप इसको ध्यान देना, और बहुत सारे आदमी बहुत सारे व्याख्या किए हैं लेकिन सारे अर्थ विचार करने जाए तो हो गया छुट्टी। तो ऐसा है अगर प्रश्न हुआ जो कर्म करने से ही संसार में बंधन है तो भगवान ये माना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। अगर कोई ये प्रश्न उठाए जो महाराज कर्म तो बंधन का कारण है मायावादी लोग कहते हैं तो कर्म हम छोड़ दिया, नहीं, प्रश्न है कर्मों करने से ही संसार का बंधन है ये अगर विचार किया जाए तो मुश्किल विचार है, ये ठीक नहीं है। कर्म का जो फल है कर्मों बंधन का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर्म का जो फल आशा करो, कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो,
ये फल को आशा किया, आशा रख के किया, ये तुम्हारा बंधन का कारण है। निश्चित रूप से यज्ञ, निश्चित रूप से विष्णु यज्ञो वै विष्णु, ये सियोर, क्योंकि विष्णु छोड़ के एक अद्वैत ज्ञान तत्व विष्णु छोड़ के तमाम दुनिया में क्या चीज है दिखाओ। ये तो श्रुति में लिखन है, श्रुति का लिखन कभी बेकार नहीं जाता, पक्का बात है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ निश्चित रूप से विष्णु है, श्रुति में ऐसा है। तदर्थमूलक अर्थात विष्णु के संतुष्टि के कारण, तदर्थमूलक विष्णु का संतोष के लिए फल स्वरूप कर्म व्यतीत हो, विष्णु का संतोष विधान करने जाए, बस यही एक मकसद है, ऐसा विचार लेके चलो तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा बंधन होने का कोई कारण नहीं है, इसमें तुम्हारा बंधन नहीं होगी किसी भी हालत से। लेकिन दूसरा अगर विचार बनाओ, अर्थात विष्णु का संतोष विधान के अलावा दूसरा विचार बनाओ, अपना सुख विधान, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सुख साच्छंद, हम दुखी बन जाए, हम सुखी बन जाए, तुम सुखी सुखी के सुख दुख क्या कोई एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख है तो क्या वैल्यू है इसका, हमारा अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा अच्छा लगने से क्या आता जाता है, तुम्हारा नहीं अच्छा लगने से गुरु जी का क्या अच्छा लगता है, ये विचार करो, क्योंकि गुरु जी भगवान का संतुष्ट विधान के लिए कर रहा है, हमारा अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा अच्छा लगने से क्या होता है, नहीं लगने से भी क्या है, बद्ध जीवो। तो कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि देखो ये विष्णु का संतुष्ट विधान के लिए जो कर्म का अनुष्ठान करो, इसमें तुम्हारा बंधन नहीं होगी। हे कंतियो, संग त्याग पूर्वक अर्थात आशा नहीं रखे, इसमें जो आशा है ये छोड़ के निराशक्त होके, निराशक्त होना इतना आसान नहीं है, प्रकृति का प्रभाव का बाहर अगर नहीं जाओ, प्रकृति का जो प्रभाव है, ये प्रकृति का प्रभाव का बाहर अगर ना जा नहीं जाओ तो कैसे कैसे होगा, निरपेक्ष कैसे बनोगे, अनासक्त तो कैसे बनोगे। तो हे कंतियो, संग त्याग पूर्वक अर्थात निरासक्त तो होकर, कर्मफल का अविलास शून्य होकर, विष्णु का संतोष विधान के लिए सद्भावे, राइट वे, ऑनेस्टली उपार्जित द्रव्यादि, जितना भी द्रव्य तुम अर्जन किए हो, पैसा आदि कुछ भी कमाए हो, विद्या कमाए, पैसा कमाए हो, जो भी है द्रव्यादि द्वारा जाग यज्ञो पूजादि संपादन पूर्वक विष्णु का आराधना करके उसका जो शेष है, रेसिड्यू है, यज्ञावशेष, ये ग्रहण करना जरूरी है। तो यज्ञार्थत कर्मणो अन्नत्तो लोकवयम कर्म बंधनः, तदर्थम कर्मो कुंतियो मुक्त संगो समाचर, ऐसा करके तुम, तो ऐसा करके सारे टीकाकारों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव सारे ऐसा ही सुंदर करके व्याख्या करके समझाने का कोशिश की है, के लोगों का जानकारी है, अरे बाप रे शास्त्रों का क्या अर्थ है, क्या गंभीर विचार है, ये बिल्कुल समझ में आता है। गौरकिशोर बाबा जी महाराज, बाहरी दृष्टि में शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, पोपा जी ने बताए महाराज ये शास्त्रों का निचोड़ बता देते हैं पूरा, जो शास्त्र पाठ करके अब बताओगे दो शब्दों में बता दे, इतना हिम्मत है। वो बात कहते हैं तमाम अर्थों भगवान चैतन्य महाप्रभु से आते रहते हैं, राधा गोविंद से, क्या अर्थों का कमी बैठेगा दिल में, जहां गौरंग स्वयं बैठा है। तो ऐसे गौर किशोर बाबा जी महाराज तमाम तमाम बड़ा बड़ा शास्त्रों का अर्थों जो है, अर्थों एकदम सीधा साधा एकदम सरल दो शब्दों में कह देते थे, अरे बाप रे कितना क्षमता है, क्योंकि नाम ब्रह्मो कृपा है ना, नाम करते हैं ना, नाम करने से क्या तमाम
तमाम विद्या प्रकटित हो जाते। नाम जो है जिसका अंदर में नाम का प्रभाव, नाम का कृपा आ गया, उसका लिए शास्त्र का अर्थ कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ भी पूछो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, भगवान दास बाबा जी महाराज को, बंशी दास बाबा जी महाराज को, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को, शास्त्रों का अर्थों का कोई कमी नहीं बैठेगा, बिल्कुल बता देगा। अरे बाप रे बाप, कितना हिम्मत है। अरे बाबा जी ने बताया, मैंने हमको बाबा जी महाराज ने बोला, अमार प्रभु एक शास्त्रों का भागवत का एक श्लोक बताइए। अरे ठीक है, गुरु जी का आदेश है, एक भागवत का एक श्लोक बताए। अमार प्रभु थोड़ा बहुत अर्थ सुनने का मन होता है, अब अर्थ सुनाइए थोड़ा। पापा जी ने इसका सुंदर बड़ा भारी अर्थ सुना दिया। सुनाने के बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज कह रहे, अच्छा अमार प्रभु बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, आहा कितना सुंदर व्याख्या। अच्छा अमार प्रभु आकर्ष ये शास्त्रों का ये अर्थों का, भागवत का इस श्लोक का, ऐसा अगर अर्थ हो तो कैसा है। बोल के गौर किशोर बाबा जी महाराज एक सुंदर व्याख्या की। पोपा जी कह रहे कि हम हैरान रह गए, ऐसे कैसे संभव है जो बाबा जी महाराज बाहरी दृष्टि में शास्त्रों का कोई पाठ नहीं की, लेकिन ये बाबा जी महाराज जो अर्थ किया है ये कोई साधारण आदमी के लिए संभव है ही नहीं। साक्षात अगर गौड़ ये व्याख्या करे तो संभव है, समझा मेरा बात। जैसे सर्वम वर्टेज जो जी तरह तरह का विचार उठाया मायावाद स्थापन करने के लिए, और महाप्रभु एक एक करके अर्थों काटते गए। अंतिम में जो आत्मा रामश्च मुनयो श्लोक का व्याख्या की, तो सर्वम वर्टेज जो ने बताए आप इसी का अर्थो बनाओ, अर्थो लगाओ। महाप्रभु बताए पहले आप अर्थो लगाओ जो समझते हो, इसके बाद हम विचार करेंगे कृष्ण का कृपा से। आप इसका अर्थ लगाओ, अर्थ लगाया, चार किस्म का अर्थ बताया। इसके बाद महाप्रभु ठीक है आपका अगर इच्छा है तो मैं अर्थ लगाने का प्रयत्न करे भगवान का कृपा से, और अर्थ लगाया कि महाराज कितना सुंदर व्याख्या कर दिया। ओह 18 किस्म का, ओह सर्वम वर्टेज पागल बन गया, बोले ये संभव ही नहीं, हमारा सामने इतना बड़ा प्रवचन करने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान है, जरूर ये हो ही नहीं सकता, मेरा सामने कोई इतना बड़ा प्रवचन करे वो संभव नहीं। सर्वम वर्टेज ने बता दिया खुल्ला में खुल्ला, ये भगवान छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं कि ऐसा अर्थ करे। सर्वम वर्टेज स्वीकार किया, साक्षात भगवान होने से 18 किस्म के जो अर्थ बताए ये भगवान छोड़ के कोई नहीं बता सकता। तो आज हम समझ गया तो आप कौन हो, इसका बात तो अपना स्वरूप को दिखा दिया कि मैं ही हूँ, मैं ही गौरंग, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम, सब मैं ही हूँ। रामा राय रामानंद को भी दिखाया ना, तो दूसरा ये राधा रानी को आलिंगन करते हुए कृष्ण का स्वरूप, ये अलग सा। तो ऐसा जो विचार है ये बहुत गहरा विचार है। और सनातन गोस्वामी के साथ जो विचार किया, सनातन गोस्वामी कहे प्रभु ये आत्मा रामस्य मुनयो इसका अर्थ सुनना चाहते, अरे अभी क्या कुछ आपने 18 किस्म का अर्थ किया सर्वम वर्टेज के सामने, हमने सुने हैं, अरे आप सुने हैं ठीक है, लेकिन आप तो कोई याद नहीं है कि क्या अर्थ तब लगाया था। चलो ठीक है आपका संग है, आपका संग में मेरा क्या अर्थ आता है, संग मतलब देखो अच्छा संग में सत्संग में मैं भी परीक्षा करके देखा, फालतू जगह हरिकथा बोलने के गया, जोर जबरदस्ती लेके गया, अब ओके कुछ निकालता ही नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं लगता है उठ के चले जाए। और दूसरा जगह है कोई भी ज्यादा भीड़ भड़ाक्का नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छा परिवेश है, जो मौजूद है जो लोग वो भी उतना ये नहीं अनुकूल है, बस दो अढ़ाई घंटे कुछ बात नहीं,
मैंने परीक्षा करके देखा। महाप्रभु भी ये बात बताए, जब 71-72 किस्म का अर्थ बता दिए, मैंने ना 60 ना 62 किस्म का अर्थ किया है, तो महाप्रभु जी ने बताया कि सनातन तुम्हारा संघ का इतना प्रभाव है, तुम्हारा संघ का इतना प्रभाव है, देखो अर्थ का तरंग निकल रहा है। तुम्हार संगेर प्रभावे उठे अर्थेर तरंग, तुम्हार संगेर प्रभावे उठे अर्थेर तरंग। तुम्हारा संघ है इतना विशुद्ध संघ है, तुम्हारा संघ के कारण मेरा हृदय में अर्थ का तरंग उठ रहा है, लहर उठ रहा है, इनो ऐसा विचार है। तो सही बात बताया महाप्रभु, आप गोपाल जी ने ये बताया। शास्त्रों का अर्थ विचार करने जाओ तो अगर विमुख अपराधी व्यक्ति के सामने जाओ तो ये तुम्हारा लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक, तुम्हारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का ड्रॉप हो जाएगी, टिकेगा नहीं। तो ऐसा करके विचार करके देखो जे कितना सुंदर बताया योग क्या चीज है, कैसे होनी चाहिए सहो। और नेक्स्ट जो है श्लोक में, सहो यज्ञा प्रजा सृष्टवा, सहो यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचो प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्धमेश वो अस्तु इष्टकामधु। सहो यज्ञः, ये यज्ञ शुरुआत किए ब्रह्मा, ऐसे तो भगवान सृष्टि है। सहो यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धमेश वो अस्तु इष्टकामधु, ऐसा बताया। सृष्टि का प्रारंभ से प्रजापति ब्रह्मा योग्य योगों के साथ ही प्रजा का सृष्टि की, ऐसा नहीं कि योग्य अलग है प्रजा अलग, योग्य कौन करे, इसका तो मीनिंग नहीं बैठेगा। सृष्टि का प्रारंभ में प्रजापति योगों का शुरुआत किए प्रजा सृष्टि का साथ साथ ही, और ऐसा ऐलान कर दिए थे जे तुम लोग ये योगों के द्वारा उत्तर उत्तर माने ग्रेजुअली बढ़ते चलो, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, आपस में आप बढ़ते चलो, ये योगों करते चलो और उत्तर उत्तर वर्धित हो माने वर्धनशील हो जाओ। वर्धनशील में नहीं शरीर में मेरा चर्बी जम गया, बड़ा फैटी हो गया, ऐसा नहीं। ये उत्तरोत्तर बढ़ते चलो, ग्रेजुअली आप बढ़ते चलो, इसका मतलब है आपका कॉन्शियसनेस बढ़ते चले, योगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ते चले, विष्णु जो है मूल उद्देश्य उसका सेटिस्फेक्शन करते चलो, और ये योग जो है तुम सभी का अभीष्ट पूर्ण करे। ये योग जो है आप सभी का अभीष्ट का पूर्ति करे, आप जो है आपका अभीष्ट का पूर्ति भरे पूर्ति करें, याद है ना वो श्लोक जिसमें ये जो बताया था, ये सारे उपनिषद का जो श्लोक है तमाम, ये सारे भगवानी हैं जो इच्छा पूर्ति करते हैं सारे तमाम जीवों का, ये ठाकुर जी हैं, ये जो है सुंदर विचार बताया था ना उपनिषद में, नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये जो श्लोक बताया इसका विचार देखना, हमने बताया था थोड़ा विचार महाजन अनुगत में। सो यज्ञो सहो यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धमेश वो अस्तु इष्टकामधुक्। आज इतना तक विचार रहे,
काल फिर विचार करके आगे बढ़ेंगे। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्बाग बपुभिर्विदधत् नमस्ते जीवेत जो मुक्तिपदे सदाएव वांछ कल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावन भवैष्णवेभ्यो नमो नमः।